फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें ब्यूटीफुल यू चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि देख पाएं आप मेरे वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट बताएंगे जो कि सबसे बोलूंगी कि मोस्ट इजीएस्ट वे है आपका लेमन के साथ। आप ना कि सिर्फ इसको एक एज अ पैक यूज़ कर सकते हैं बल्कि एज अ टोनर, एज अ नाइट क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ आपके फेस के लिए नहीं बल्कि पूरी बॉडी के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑफ लेमन। मैं आपसे बोलना चाहूँगी अगर आप इस पैक की क्वांटिटी को बढ़ाना चाहते हैं या फिर स्टोर करके रखना चाहते हैं तो ये 1 या 2 दिन ही स्टोर रहेगा, और आप सेम लेमन को 1 टीस्पून की जगह 2 टीस्पून कर दीजिएगा तो आगे की क्वांटिटी भी सेम उसी हिसाब से बढ़ा लीजिएगा। और इसको आपने सिर्फ फिलहाल मैं 1 टीस्पून ही ऐड कर रही हूँ। सेकेंड है, हमें लेना है आलमंड ऑयल। मैंने बादाम शीरिन यूज़ किया है। आप ऐसा नहीं है कि सेम आपको यही यूज़ करना है, आप कोई भी बादाम का ऑयल जो आपके पास हो या फिर ओरिजिनल हो तो आप जो चाहें यूज़ कर सकती हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप इसको स्किप ना करें, बादाम ऑयल आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ ये आपके डेड स्किन सेल्स को भी हटाता है और अच्छा आपकी स्किन को ग्लो देता है। सेम 1/2 टीस्पून ऑफ एलोवेरा जेल। वैसे मैंने ये पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज़ किया है, लेकिन फ्रेंड्स मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आपके पास अगर ओरिजिनल एलोवेरा जेल का प्लांट है तो आप उसको यूज़ करेंगे तो इसका रिज़ल्ट 10 गुना ज़्यादा अच्छा होगा। तो अगर हो सके तो आप प्लीज़ ओरिजिनल एलोवेरा जेल ही यूज़ करें। अब इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और कॉटन के यूज़ से आप अपने फेस पर, बॉडी, नेक, हैंड, जहाँ आपको लगाना चाहते हैं आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसको आप 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें, उसके बाद सिंपल जो लिक्विड वाइप्स आते हैं उससे या फिर हल्का गुनगुना पानी करके उसमें अपना रुमाल डिप करके निकालें और अपना फेस को क्लीन करके छोड़ दीजिए। रात में अगर करेंगे तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।